expensive. Yeah, yeah. So I need cheap bed. Cheap only, this one only. This one, yeah. Okay, thank you. Okay, yeah, sir, water. Water? Okay, I'll give. I pay you now or morning? Yeah, I'll pay you. Now? Yeah. Yeah. Passport. Yeah. And I will give you 2000. Okay. Your morning you call you, I will give you the passport. Oh, okay, okay, sir. Okay. Thank you. Okay. Okay. Thank you. सुप्रभात भाइयों, और अगले दिन की सुबह हो चुकी है, मैं रेडी हो चुका हूँ और अब निकलते हैं बाहर। और कुछ इस प्रकार का ये रूम था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और बाहर भी अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, लोग जो है वो जैकेट वगैरह पहन के रखे हैं। बाहर का भी दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए पंखे का कोई होल्डर नहीं है, ऐसे ही कोई चैन लटक रही है, क्योंकि यहाँ पर 12 महीने जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। और बाहर का व्यू चेक कीजिए आप, कितनी मस्त धूप खिली है, और चलते हैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। देखिए तो भाई, यह है होटल से बाहर निकलते ही कुछ ये नज़ारा आप देख सकते हैं, और अपना जो गेस्ट हाउस था, तो आप यहाँ पे आते हो तो ये है बिल्कुल सस्ता सा, ये नंबर है भाई, आप कॉल कर लीजिएगा, स्नो व्यू नाम से है। और ये यहाँ पे है, बहुत सारे यहाँ पर बने हुए हैं भाई साहब, महंगे महंगे हैं, लेकिन अपने को तो रात ही तो बितानी करनी क्या, और 550 रुपये में तो क्या ही लोगे, मतलब 2000 रुपये श्रीलंका के हिसाब से, तो मतलब ये देख लोगे 550 रुपये है ना, डॉर्मेट्री का भाव पड़ गया, और जिसमें रूम मिल गया अटैच, लेट बात वगैरह एकदम पर्सनल, फुल प्राइवेसी। तो ये सिस्टम है, वाईफाई नहीं था, वाईफाई से करना ही क्या, रात को 12 बजे पहुंचा, पड़ते ही नींद आ गई, सुबह हो गई, वाईफाई से करना ही क्या, जग मारना ही क्या वाईफाई से। तो ये पीछे वाला जो मार्केट देख रहे हो, इसी के अंदर मैं यहाँ पर रुका था, और अब मैं पैदल पैदल यहाँ से माता सीता टेम्पल की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, और यहाँ से करीब जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर है, तो यहाँ इसी रोड के ऊपर ही है, ऑन रोड ही है मंदिर, तो चलते चलते हम लोग देख लेंगे। और बीच में ये मार्केट जैसे ही ख़त्म होगा, तो बीच में बिल्कुल कुछ भी नहीं, एकदम सुनसान रोड आएगी, तो वो नाइट में मैं आपको नहीं दिखा पाया था, जो कि अब दिखा रहा हूँ, और मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना खूबसूरत नज़ारे मेरे आसपास चल रहे हैं, और मैं रात को इस रोड पर चल रहा था, लेकिन ऊपर ऊपर ये लाइटें नज़र आ रही थी इन घरों की, इन होटलों की, तो मुझे अंदाजा था कि ये मनाली जैसा सिस्टम है, यहाँ पर पहाड़ियों के ऊपर इस प्रकार से घर बने हुए हैं, लेकिन अब रात के समय तो कुछ दिखा ही नहीं, मैंने सोचा यार क्या ही है, कोई नहीं था, आपने देखा था ना, सुनसान सड़क थी। अब चलते हैं आगे, घाट उतरते हैं नीचे भाई। तो ये सामने से इस सड़क की कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं भाई, फिलहाल अभी दिन में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन रात के अंधेरे में तो सड़क भी नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ मैंने आपको चंदा मामा दिखाया था, है ना। तो अब मैं सीधा मिलता हूँ आपसे अशोक वाटिका के अंदर, है ना। अरे यार क्या खतरनाक नज़ारा है, आप देखिए कितना सुंदर व्यू यहाँ से खेतों का आ रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे खेत, और खेत के अंदर किसान काम करते हुए अपने श्रीलंका के, और ये है कुछ नज़ारे भाई साहब, अपने आप को रोक ही नहीं पाया कैमरे में कैद करने से, तो ये दिखाना ज़रूरी था। तो भाई फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं अशोक वाटिका, लेकिन इस गेट का कुछ काम चल रहा है, तो हम दूसरे गेट से जाने वाले हैं अंदर। और कुछ इस प्रकार का ये गेट है, हनुमान जी के सामने देखिए मूर्ति लगी हुई है, और इस इधर की साइड ये सारी बहुत सारी मूर्तियां भी यहाँ पर लगी हुई है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की भी यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये है मेन गेट, लेकिन इसका अभी देखिए काम चल रहा है अंदर, देखिए ये मूर्तियाँ बिल्कुल नई बनने लग रही है, तो अच्छा है, इसका नया स्वरूप देखने को मिलेगा। और यहाँ पर विराजमान है बजरंग बली, तो आप भी दर्शन कर लीजिए अशोक वाटिका के अंदर। यहाँ पर इस गेट का चल रहा है निर्माण, और हमें जाना है इस छोटे से गेट से अंदर मंदिर के अंदर, तो चलते हैं भाई। ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है माता सीता पवित्र नदी, और भगवान हनुमान जी का पवित्र चरण जो है वो इस साइड है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और इधर पूरा ये मंदिर जो है वो अभी चल रहा है, काम चल रहा है, तो जो मेन जो प्रतिमाएँ हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की, तो ये सामने विराजमान है, आप भी दर्शन कर लीजिए, ये है मेन दर्शन, आप ये देखिए।
तो फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए मेन दर्शन इस साइड है। फिलहाल आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ श्रीलंका के अंदर अशोक वाटिका के अंदर, जहाँ पर रावण ने माता सीता को कैद करके रखा था। और यहाँ पर ये जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हैं, ये वही नदी है जिसके अंदर प्रतिदिन माता सीता स्नान किया करती थी। और ये जो अशोक वाटिका है, इसके अंदर टोटल ही अशोक के पेड़ हुआ करते थे, जो कि साल के अंदर दो बार फूल दिया करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, जैसे आप ये पीछे देख रहे हैं, इस प्रकार के बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। और अभी भी अशोक के बहुत सारे पेड़ अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको बता दूं कि ये वही नदी है, और यहाँ पर जब रावण ने माता सीता को कैद करके श्रीलंका लेके आए थे, तो वो सबसे पहले अपना पुष्पक विमान, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर लंका वाली वीडियो के अंदर दिखाया था, पुष्पक विमान जो है वो लंका के अंदर वहाँ पर लेके गए थे, वहाँ लैंड किया था। लेकिन माता सीता ने वहाँ पर मना कर दिया था कि मैं जो है वो तेरी यहाँ पर गुलामी स्वीकार नहीं करूँगी, और ना ही मैं राजभवन में रह पाऊँगी, क्योंकि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकली हूँ अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो भगवान श्री राम के नाम से जाने जाते हैं, तो उनके साथ निकली हूँ, तो मैं राजमहल के अंदर पाँव भी नहीं रख सकती। तो फिर रावण ने यहाँ पर उनको लाके रखा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि रावण को श्राप था कि किसी भी स्त्री को, चाहे वो खुद की पत्नी मंडोदरी ही क्यों ना हो, बिना मर्जी के हाथ नहीं लगा सकते, ऐसा उनको श्राप दिया गया था। तो ऐसी भी कहानी सुनने में आती है दोस्तों। यहाँ मंदिर प्रांगण के अंदर बहुत सारी यहाँ पर चित्रकलाएं या फिर छाया चित्र उकेरे गए हैं, जिसके अंदर पूरा जो लंका कांड है वो यहाँ पर दिखाया गया है, किस प्रकार से रावण की बहन जो सूर्पनखा है वो भगवान श्री राम की कुटिया में जाते हैं, वहाँ पर फिर वो किस प्रकार से वो हिरण के पीछे जाते हैं, पीछे वो माता सीता अकेली रहती है, रावण उनका हरण करता है, और सूर्पनखा का जो लक्ष्मण जी नाक काटते हैं तलवार से, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर युद्ध जो हुए थे रावण और राम जी के बीच में, वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। और आपको बता दूं कि इस मंदिर प्रांगण के अंदर हनुमान जी के पांव भी बने हुए हैं। जब हनुमान जी जो है वो भगवान श्री राम की जो है वो अंगूठी लेकर निशानी के तौर पर माता सीता का जो है वो पता लगाने के लिए जब लंका की ओर आए थे, तो जब सर्वप्रथम उन्होंने धरती पर जो पांव रखा था, तो वो पांव आज भी यहाँ पर बजरंग बली के बने हुए हैं, तो उसके भी आपको दर्शन कराते हैं। देखिए तो भाई, ये आप सामने देख सकते हैं, इस प्रकार से प्रतिमा स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है कि माता सीता अशोक के पेड़ के नीचे बैठे हैं, और बजरंग बली जी जो है वो पेड़ के ऊपर बैठे थे, जो कि नीचे आए हैं और उनसे बातचीत करते हुए दिखाए हैं, साथ में एक हिरण भी है। और सबसे पहले यहाँ पर जो बजरंग बली यहीं पर जो था वो अशोक का पेड़ असली था, यहीं पर माता सीता बैठी थी, और सबसे पहले जो भगवान बजरंग बली ने, है ना, हनुमान जी ने यहाँ पर जो पहली बार अपना पांव रखा था, वो ये पांव आपको बहुत ही बड़ा पांव नज़र आ रहा होगा, ये बजरंग बली का पांव है। तो ये देखिए, उस टाइम से आज तक यहाँ पर ये निशानी बनी हुई है, और कितना बड़ा पांव है आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि पांव इतना बड़ा है, तो बजरंग बली का कितना बड़ा स्वरूप रहा होगा उस टाइम का। और ये इस प्रकार से आप देखिए, थोड़ा सा आप नज़दीक चलते हैं और नज़दीक से आपको दर्शन कराता हूँ। ये नीचे चल रही है भाई नदी, और इसके ऊपर से ये पुल पार करते हुए हम उधर की साइड चलते हैं। तो भाई, यहाँ से आप दर्शन कीजिए, ये वही स्थान है जहाँ पर माता सीता बैठा करती थी, और यहाँ पर बजरंग बली जो है वो अपने पांव जो है वो यहाँ पर दिए थे, और देते यहाँ पर पांव के निशान बन गए थे। तो ये है असली, और कुछ श्रद्धालु लोग भी आए हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, ये है इस प्रकार से असली सुकून, अगर कहीं कहें तो इस स्थान पर है। वाकई यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और इतना मन को शांति मिल रही है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि इस स्थान के मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। सामने देखिए, माता सीता जो है वो इस प्रकार से अशोक के पेड़ के नीचे बैठे हैं, और बजरंग बली के इधर देखिए पाँव हैं। बहुत सारे श्रद्धालु लोग जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और ये कलकल करती हुई बहती हुई ये नदी, ये वही नदी है जिसके अंदर माता सीता स्नान किया करती थी प्रतिदिन, और ये इस प्रकार से है। तो यहाँ देखिए, पानी का जो साउंड आ रहा है, जो ध्वनि आ रही है, वो ही कितनी एकदम मधुर लग रही है। और आप वीडियो के माध्यम से घर बैठे ही इतना अच्छा महसूस कर रहे होंगे, तो ये सोचो कि मैं यहाँ पर धरातल पे यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मुझे कितना अच्छा फील हो रहा होगा। और यहाँ पर देखिए, हनुमान जी का जो पाँव बना हुआ है, लोग यहाँ पर
दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और इतना सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अंदर ज़्यादा फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, फिर भी ये कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मंदिर का इस प्रकार का प्रांगण है और फिलहाल रिनोवेशन का बहुत ही ज़्यादा काम चल रहा है। तो जगह जगह पूरा सिस्टम बंद किया हुआ है, तो जगह जगह मशीनें चलने लग रही है, साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ये इस प्रकार से है। तो बहुत ही खूबसूरत और आनंदमय समय है ये मेरे लिए दोस्तों। अभी मैं मंदिर से बाहर आ चुका हूँ मेन गेट पर और आप ये अशोक वाटिका का भगवान श्री राम माता सीता के जो मंदिर है यहाँ पर, इनका ये मेन गेट आप देख रहे हैं जिसके मेन गेट पर दोनों ही साइड बजरंग बली की प्रतिमा बनी हुई है और उधर की साइड आप देख सकते हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता की प्रतिमाएं बनी हुई है। और इस कार के जस्ट पीछे जो वो भाई साहब दर्शन करने लग रहे हैं वहां पर बजरंग बली का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है और यहाँ पर नारियल तोड़ने के लिए, जोत वगैरह होने के लिए भी स्थान है। लेकिन अभी फिलहाल जो मंदिर का जो है वो पुनर्निर्माण का कार्य जो है वो चल रहा है और एक भव्य स्वरूप दिया जा रहा है, बहुत ही शानदार। हो सकता है एक साल बाद जब यहाँ पर आप आए तो आपको इस मंदिर प्रांगण का एक नया ही स्वरूप देखने को मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और अपने आप को मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर स्वयं खुद आकर अपनी आंखों से जीवित रहते हुए धरती पर एक बार इस स्थान के दर्शन कर लिए तो क्या ही बात है भाई, वरना जिंदगी का क्या भरोसा कब मर जाए। लेकिन बजरंग बली के यहाँ पर पांव, माता सीता के दर्शन, भगवान श्री राम के अद्भुत और अविस्मरणीय दर्शन जो है वो यहाँ पर हम इस मंदिर के अंदर कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा मेरे इस यात्रा गुरुजी चैनल के माध्यम से घर बैठे आपने बिल्कुल अच्छे से दर्शन किए हैं और आप भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। तो इसी प्रकार की बेहतरीन बेहतरीन यात्राएं दोस्तों अपनी यात्रा गुरुजी इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है और नहीं किया तो अच्छे से कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लंका सीरीज के बहुत सारे यहाँ पर वीडियो मैंने डाल रखे हैं, रावण की लंका के और भी बहुत सारे, तो आप ज़रूर देखिएगा और देखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।